तैयारी कर रहे थे बच्चे, सालों से मेहनत कर रहे थे, सपने देख रहे थे कि पुलिस की वर्दी पहन के आएंगे, कि माँ के आंखों में भी सपने थे कि हमारे बच्चे दौड़ेंगे, परीक्षा में पास होंगे और पुलिस की वर्दी में लौट के आएंगे। पुलिस की वर्दी में नहीं, कफन में लौट के आए, कफन में कई बच्चे। पेपर लीक कितनी बार हुआ? 17-17 बार परीक्षाएं कैंसिल हुई है, JMM पेपर लीक मोर्चा बन गया है। पुलिस के पद खाली है, बाकी पद लाखों की संख्या में खाली है, हम भरेंगे। पहली कैबिनेट में फैसला होगा, कैलेंडर बनाएंगे हम कि किस महीने कौन सी परीक्षा होगी, रिजल्ट की तारीख क्या होगी, ज्वाइनिंग की डेट क्या होगी। रोजगार बड़ा सवाल है। ये कहते थे 5 लाख रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, सरकारी नौकरियां, और जब तक नहीं देंगे 5,000 और 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे स्नातक को, स्नातकोत्तर को। एक ढेला दिया, एक नौकरी दी, 4 साल 10 महीना नौकरी नहीं दी, 11वें महीने जब चुनाव आने लगे तो नौजवानों को दौड़ा रहे हो, और 10 किलोमीटर दौड़ाने की जरूरत क्या थी? तैयारी कर रहे थे बच्चे, सालों से मेहनत कर रहे थे, सपने देख रहे थे कि पुलिस की वर्दी पहन के आएंगे। इनकी मां के आंखों में भी सपने थे कि हमारे बच्चे दौड़ेंगे, परीक्षा में पास होंगे और पुलिस की वर्दी में लौट के आएंगे। पुलिस की वर्दी में नहीं, कफन में लौट के आए, कफन में कई बच्चे। ये नाटक कर रहे हैं। पेपर लीक कितनी बार हुआ? 17-17 बार परीक्षाएं कैंसिल हुई है, JMM पेपर लीक मोर्चा बन गया है। इनके दलाल नौजवानों के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सारे सपने चकनाचूर कर दिए हेमंत सोरेन की सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी का कहना है, पहली कैबिनेट में कोई बड़ी बात हम नहीं कर रहे, 2,87,400 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। यहां भी पुलिस थाने में 8-8 लोग हैं, 8 सिपाही मुझे बताया अभी, पुलिस के पद खाली है, बाकी पद लाखों की संख्या में खाली है, हम भरेंगे। पहली कैबिनेट में फैसला होगा, कैलेंडर बनाएंगे हम कि किस महीने कौन सी परीक्षा होगी, रिजल्ट की तारीख क्या होगी, ज्वाइनिंग की डेट क्या होगी।